जय हिंद विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले कालखंड में कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके द्वितीय अध्याय यानी आंकड़ों का संग्रह, उसमें आंकड़ा संग्रह की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ा था। विद्यार्थियों, इसके बाद वाला जो अध्याय है अध्याय तीन में हम आज बात करेंगे आंकड़ों का संगठन, यानी आंकड़ा संग्रह की विभिन्न विधियों से एकत्रित जो आंकड़े होते हैं वो एक तरह से एक ऐसी टोकरी के समान होते हैं जिसमें भांति भांति के फल तथा सब्जियां रखी हुई हैं। अब विभिन्न प्रकार की सब्जियां तथा फल जब एक टोकरी में रखे होंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि उसमें सेब कितने हैं, केले कितने हैं, आलू कितने हैं, टमाटर कितने हैं। तो इस प्रकार विभिन्न विधियों के द्वारा एकत्रित किए गए जो आंकड़े होते हैं ये आंकड़े अपरिष्कृत आंकड़े कहलाते हैं, या इनको हम रा डाटा कहते हैं। रा डाटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन आंकड़ों को देख करके हम कोई निष्कर्ष निकाल नहीं सकते। आपने कबाड़ी को देखा होगा, कबाड़ी जब विभिन्न प्रकार का सामान, टूटा फूटा सामान, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक के डिब्बे, कांच की बोतलें, धातु का सामान, विभिन्न तरह का सामान खरीदता है और खरीदने के बाद अपनी ट्राली में उसको रखते जाते हैं। अपने घर जाने के बाद अगर वो इसी तरह उसको एक ढेर के रूप में डाल देगा तो उसको जब सामान बेचना होगा तो फिर उसको कठिनाई होगी, तो इसलिए वो क्या करता है, अलग अलग प्रकार के सामान का फिर वर्गीकरण करता है। प्लास्टिक का सामान एक तरफ रखेगा, कांच की बाटलों को अलग रखेगा, धातु के सामान को अलग रखेगा, न्यूज़पेपर तथा पुस्तक कापियां यानी कागज से बनी हुई चीजें अलग रखेगा। तो इस प्रकार वो वस्तु को उसके गुणों के आधार पर अलग अलग रखता है। इसी तरह जब बहुत सारी धातुएं इकट्ठी हो जाएंगी तो धातुओं को भी उनकी प्रकृति के आधार पर अलग अलग करेगा, लोहे का सामान अलग, पीतल का सामान अलग, तांबे का सामान अलग, एल्यूमिनियम का सामान अलग। तो जब उसके पास जब ग्राहक आएगा या जहां उसको रिसाइकिल के लिए भेजना है, जिस कंपनी में रिसाइकिल के लिए सामान जाता है वहां जब उसको भेजना होगा तो प्लास्टिक का सामान लेने वाला जब आएगा तो वो सीधे प्लास्टिक का सामान बोरियों में भरवा करके और रख देगा, इसी तरह कांच की बाटलों को बोरियों में भरवा करके गाड़ी में रखवा देगा और इस तरह से वो रिसाइकिल के लिए या पुनः चक्रण के लिए उसको भेज देगा। लेकिन आप सोचें कि अगर वह इस तरह से सामान को नहीं छांटता या अलग अलग नहीं करता तो अपना सामान किस तरह बेच पाता। हम बाजार जाते हैं, बाजार से विभिन्न प्रकार की सब्जियां खरीद के लाते हैं, टमाटर, आलू, भटे, मिर्ची, गाजर, मूली, बहुत सारी सब्जियां आपने एक थैले में ले ली। घर आने के बाद क्या आप उसको वैसे का वैसा ही रख देते हैं? नहीं रखते हैं। घर में माताएं क्या करती हैं, उन सब्जियों को अलग अलग करती हैं, भिंडी अलग करेंगी, मिर्ची अलग करेंगी, टमाटर अलग, गाजर अलग, आलू अलग। तो अलग अलग क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमको उस सामान की या उस सब्जी की आवश्यकता होगी तो हम उसको आसानी से निकाल सकेंगे, उसका प्रयोग कर सकेंगे या उससे कोई निष्कर्ष निकाल सकेंगे। यहाँ पर आपकी पाठ्यपुस्तक में सारणी 3.1 दी हुई, सारणी 3.1 में आप देखें कि यहाँ पर किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों के गणित के प्राप्तांकों को दिखाया गया। इन प्राप्तांकों को अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें कोई क्रम नहीं है, प्राप्तांक जो है छोटी बड़ी संख्याएं बीच में किसी भी क्रम में आ गई हैं। तो इस तरह के आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, अगर आपसे कहा जाए गणित विषय में सबसे अधिक प्राप्तांक का मान बताइए, तो आपको खोजना होगा कि 100 विद्यार्थियों के द्वारा जो प्राप्तांक है उनमें आप खोजेंगे, या अगर आपसे कहा जाए कि गणित विषय में सबसे कम प्राप्तांक कितना है तब भी आपको खोजना होगा, तो आप सीधे देख करके कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। तो इन आंकड़ों को हम कहते हैं अपरिष्कृत आंकड़े, इन्हें हमें व्यवस्थित करना होगा तब जाकर के आप उससे कोई निष्कर्ष निकाल पाएंगे। इसी तरह सारणी 3.2 में भी आप देखें कि यहां पर 50 परिवारों का भोजन पर होने वाला मासिक व्यय दिखाया गया है। अब 50 परिवारों का जो भोजन पर होने वाला मासिक व्यय है उसमें आप देख रहे हैं कि जो संख्याएं हैं ये संख्याएं किसी क्रम में नहीं है, तो
जब आप इनको देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सबसे अधिक खर्च किस परिवार का है, या सबसे अधिक खर्च कितना है, सबसे कम खर्च कितना है। औसत खर्च भी आपको निकालना होगा तो आपको कठिनाई होगी। और अगर यहाँ 50 परिवार की जगह 500 परिवार या 1000 परिवार के व्यय का अध्ययन करना हो, या यहाँ पर भी 100 विद्यार्थियों की जगह अगर 1000 विद्यार्थी हो, तब तो ये और कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो आंकड़े हम एकत्रित करते हैं, ये अपरिष्कृत आंकड़े या कच्चे आंकड़े कहलाते हैं, रॉ डाटा कहलाते हैं। इन आंकड़ों को अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से हमको क्या करना होता है, व्यवस्थित करना होता है। अब व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण। वर्गीकरण अर्थात आंकड़ों के गुणों के आधार पर या मात्रा के आधार पर हम उनको अलग अलग खंडों में विभाजित करते हैं, यानी सजातीयता या विजातीयता के आधार पर आप उनको अलग अलग करते हैं। विद्यार्थियों, वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इसको समझने से पहले हम ये देखें कि वर्गीकरण के उद्देश्य क्या है, हम वर्गीकरण करते क्यों हैं। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, हम वर्गीकरण में जो सांख्यिकीय तथ्य हैं उनको सजातीयता या विजातीयता के आधार पर अलग अलग वर्गों में रखते हैं। उससे क्या होता है, आंकड़ों की जटिलता को दूर करके आंकड़ों को सरल व संक्षिप्त बनाना संभव होता है। तो ये वर्गीकरण का एक उद्देश्य हुआ। दूसरा, तथ्यों में पाई जाने वाली समानता व असमानता को स्पष्ट करना। जो सांख्यिकीय आंकड़े हैं उनमें कैसी समानताएं हैं या कैसी विभिन्नताएं हैं उनको स्पष्ट करना भी इसका उद्देश्य है। आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना, अगर हम वर्गीकरण नहीं करेंगे तो किसी भी सांख्यिकीय आंकड़े या अपरिष्कृत आंकड़ों से हम तुलना नहीं कर सकते, तो तुलना योग्य बनाना। आंकड़ों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करना, आंकड़ों को व्यवस्थित करके और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करना वर्गीकरण का एक उद्देश्य है। इसके अलावा वर्गीकरण के पश्चात जब हम एक बार वर्गीकरण कर लेते हैं तो आगे की जो सांख्यिकीय क्रियाएं हैं जैसे कि सारणीय, उसके पश्चात विश्लेषण, तो ये दोनों ही क्रियाएं वर्गीकरण के पश्चात ही संभव होती हैं। तो अन्य सांख्यिकी विधियों का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जबकि हम उनका वर्गीकरण कर लें। तो इस प्रकार ये वर्गीकरण के उद्देश्य हो गए। आइए अब देखते हैं वर्गीकरण की विधियां या वर्गीकरण के प्रकार। वर्गीकरण की रीतियों में पहला है कालानुक्रमिक वर्गीकरण या काल श्रेणी वर्गीकरण। काल श्रेणी वर्गीकरण इसको क्यों कहते हैं, यहां पर आप देखिए, जैसे कि यहाँ भारत की जनसंख्या को एक सारणी के माध्यम से दिखाया गया, यहाँ पर हमने भारत की जनसंख्या को वर्ष के माध्यम से अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे आप देखिए कि 1951 में भारत की जो जनसंख्या थी 35.7 करोड़, 1961 में 43.8 करोड़ और 1971 में 54.8 करोड़, इस प्रकार 2001 में 102.7 करोड़ और 2011 में 121.0 करोड़। तो यहाँ पर हमने भारत की जनसंख्या को वर्ष में व्यक्त किया हुआ है या वर्ष के आधार पर विभाजित किया हुआ है। तो इस तरह का जो वर्गीकरण है, जब हम अपरिष्कृत आंकड़ों को समय के आधार पर यानी वर्ष, दिन, माह, त्रैमासिक, छमासिक, इस प्रकार समय के आधार पर जब हम आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं तो उसको हम कहते हैं कालानुक्रमिक वर्गीकरण। वर्गीकरण की दूसरी रीति है स्थानिक वर्गीकरण। स्थानिक वर्गीकरण अर्थात जब हम अपरिष्कृत आंकड़ों को स्थान विशेष के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि गांव, शहर, ग्रामीण, शहरी, जिलेवार, अलग अलग जिलों की जनसंख्या या अलग अलग जिलों में उत्पन्न होने वाले खाद्यान्न की मात्रा, या अलग अलग विद्यालयों में कक्षा 10वीं एवं 12वीं का वार्षिक परीक्षाफल, तो इस प्रकार जब हम स्थान विशेष के आधार पर अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं तो उसे कहते हैं स्थानिक वर्गीकरण। जैसे कि आप यहाँ पर देखें हमारी पाठ्यपुस्तक में जो उदाहरण दिया गया है, इसमें वर्ष 2013 में विभिन्न देशों में गेहूं के उत्पादन को दिखाया गया, जिसमें कि कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत और पाकिस्तान में गेहूं की उपज जो हुई है 2013 में उसकी मात्रा को दिखाया गया। तो यहाँ पर चूंकि हमने गेहूं का जो उत्पादन है उसे कैसे वर्गीकृत किया है, देशों के आधार अर्थात स्थान विशेष के आधार, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्थानिक वर्गीकरण। विद्यार्थियों, कई बार हमारे सामने ऐसे अपरिष्कृत आंकड़े भी आते हैं जिनमें
कि हम उन आंकड़ों को संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते या संख्या में उनको व्यक्त करना संभव नहीं होता है। जैसे कि हम किसी जन समुदाय की राष्ट्रीयता, उनकी साक्षरता, धर्म, लिंग या वैवाहिक स्थिति का जब अध्ययन करते हैं तो चूंकि ये जो विशेषताएं हैं इन विशेषताओं को हम संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें गुण कहते हैं। ये ऐसे गुण हैं जिन्हें संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में जब हम गुणों के आधार पर सांख्यिकी तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं तो हम इसे कहते हैं गुणात्मक वर्गीकरण। जैसे कि हमने उदाहरण के लिए लिया है जनसंख्या, किसी स्थान विशेष की जनसंख्या को स्त्री तथा पुरुष, यहां पर हमने एक गुण को लिया है। अब एक गुण जिसमें कौन सा गुण है, लिंग। अब लिंग के आधार पर हमने जनसंख्या का वर्गीकरण किया, अर्थात पुरुष और दूसरे तरफ जो पुरुष नहीं है अर्थात स्त्री। तो इसको कहते हैं द्वंद्व भाजन वर्गीकरण। क्या कहते हैं, द्वंद्व भाजन, यानी एक गुण को लेकर के और जिस समुदाय में है तथा जिस समुदाय में वह गुण नहीं है, इस तरह से दो भागों में जब हम उसको वर्गीकृत करते हैं तो उसे हम कहते हैं द्वंद्व भाजन वर्गीकरण। अब अगर हम एक से अधिक गुणों को ले लें, जैसे कि यहां पर हमने लिंग के अलावा क्या लिया है, वैवाहिक स्थिति को लिया है, इसके आगे हम और साक्षरता भी ले सकते हैं, तो जब एक आधार पर वर्गीकरण करने के बाद उन वर्गों का पुनः वर्गीकरण दूसरे गुण के आधार पर किया जाए तो इसे कहते हैं बहुगुण वर्गीकरण। क्या कहते हैं, बहुगुण वर्गीकरण। द्वंद्व भाजन वर्गीकरण में हम एक गुण के आधार पर दो वर्गों में रखते हैं तथा उन वर्गों को पुनः दूसरे गुण के आधार पर और अधिक विभाजित करते हैं, तब हम इसे कहते हैं बहुगुण वर्गीकरण। तो इस प्रकार वर्गीकरण की यह जो विधि है यह गुण के आधार पर सांख्यिकी तथ्यों का वर्गीकरण करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं गुणात्मक वर्गीकरण। विद्यार्थियों, जिन सांख्यिकी तथ्यों को हम मात्रा में व्यक्त कर सकते हैं या संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इस आधार पर किए जाने वाले वर्गीकरण को हम कहते हैं मात्रात्मक वर्गीकरण। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अभी हमने जो उदाहरण लिया था कि किसी कक्षा के 100 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक, अब गणित विषय के प्राप्तांक जो सारणी आपने 3.1 में देखा वह 3.1 सारणी कैसी थी, अपरिष्कृत आंकड़ों की सारणी थी। अब उसको हमने वर्गीकृत इस तरह से किया है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने प्राप्तांकों के वर्ग बनाए हुए, प्राप्तांकों के वर्ग कैसे बनाए हुए हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से। तो यहाँ पर आपने देखा कि 0 से 10 के बीच अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 1 है। उसी तरह 10 से 20 के बीच प्राप्तांक वाले 8 विद्यार्थी हैं, 20 से 30 के बीच प्राप्तांक वाले 6 विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार हमने इन अपरिष्कृत आंकड़ों को मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया है या संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया है, इसलिए हम इसको कहते हैं मात्रात्मक वर्गीकरण। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हमने आंकड़ों का संगठन के तहत अपरिष्कृत आंकड़े तथा अपरिष्कृत आंकड़ों का वर्गीकरण किन किन विधियों से किया जाता है अर्थात वर्गीकरण के प्रकार के बारे में हमने जाना। तो आशा है आज का यह कालखंड, इसमें बताई गई विषय वस्तु आपको पसंद आई होगी। अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें। अपने अगले कालखंड में हम आगे की विषय वस्तु के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।